लवली कुक विद लवली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बनाने आ रहे हैं वेज पुलाव, एकदम खिला खिला। चलो बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2.5 कप बासमती राइस। वजन से बोलूँ तो ये 500 ग्राम है। इसको धो लेंगे अच्छे से। देखिए हमने यहाँ पर राइस को धो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालकर इसको हम ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारे राइस फूल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम ये चावल का पानी निकाल देंगे। यहाँ पर हमने सब्जियों में लिया है 1 कप मटर हरी कच्ची, और लिया है 2 प्याज कटी हुई लंबी, और 1 गाजर छोटे छोटे पीस में कटी हुई, 2 टमाटर कटे हुए। गैस पे रखेंगे प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 7 से 8 काजू। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसी में डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च और 10 से 12 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और डालेंगे जावित्री और 2 तेज पत्ता। ये सभी कड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ऐसे ही हमें भूननी है थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे गाजर कटी हुई, और इसी के साथ डालेंगे मटर। इन सभी सब्जियों को पका लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इन सभी सब्जियों को थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जियाँ थोड़ी सी पक चुकी हैं। इसी के साथ डालेंगे 2 कटी हुई बीच में से हरी मिर्ची, और हम डालेंगे चावल। चावल को सब्जियों के साथ भून लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, चावल को हमने सब्जियों के साथ अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए हमने यहाँ पर पानी डाल दिया 3.5 कप। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का। यहाँ पर हम मीडियम गैस पर 1 सीटी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है, चावल अच्छे से बन चुके हैं। देखिए अब इसमें हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ पर खिले खिले वेज पुलाव बनकर तैयार है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।